हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आपको बताने वाले हैं औरंगाबाद की एक हिडन प्लेस। तो अभी हम खड़े हुए हैं रेलवे स्टेशन का जो फ्लाईओवर आता है, ख़त्म होता है एंड पे, उसके एंड पॉइंट पे खड़े हुए हैं। ये रेलवे स्टेशन का फ्लाईओवर आ रहा है सामने से, ये एंड होता है, ये पैठन का टी पॉइंट है सामने। हम चलते आपको बताते हैं।
सो ये हिल्स सतारा हिल्स के नाम से फेमस है। ये सामने रोड है पूरा, शोलापुर बीड हाईवे है, तो ये सतारा एरिया है। आगे जितने भी सब बिल्डिंग्स बन रहे हो सब सतारा एरिया है, जो सतारा हिल्स के नाम से फेमस है। बहुत कम लोग जानते हैं ये जगह। जैसा आपको कल बताए थे यूनिवर्सिटी में मोर, वहाँ पे मोर की आवाज़ आ रही थी, पिकॉक की, तो यहाँ पर भी बहुत सारे अभी भी आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे वहाँ से ज़्यादा है, यहाँ पे हर जगह है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक नहीं आती ज़्यादा, वहाँ पे पब्लिक आती है तो इतने नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वो सामने का साइड पूरा जंगल है, ये जो राइट साइड में जो रोड जा रहा है पूरा, तो ये आगे गौताला वो साइड जा रहा है रोड पूरा, गुजरात हाईवे, और इधर शोलापुर बीड हाईवे है। जालना भी जाता है आगे से राइट एक रास्ता जाता है, जालना के लिए भी जाता है। ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। चलिए अब चलते हैं नीचे पानी के पास। सो आ गए हम अभी नीचे। धोखादायक तालाब, ये सिर्फ डराने के लिए लगाया गया है, एक्चुअली ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा आने लगी है अभी, सभी स्टूडेंट्स, वो आज वो तो MIT कॉलेज है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब एकदम रिलैक्स होने के लिए यहीं आ रहे हैं, तो बस डराने के लिए लगाया गया है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, एकदम पीसफुल सुकून। पहले तो बोले थे ये पानी में साफ है, वो सारे इतने बच्चे आते हैं, स्विमिंग भी बहुत सारे बच्चे करते हैं अंदर, कभी तो कुछ हुआ नहीं, बस डराने के लिए बोलते। आप लोग भी आइए, इंजॉय कीजिए, आपको पूरा रास्ता भी गाइड कर दिया हमने। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से जो फ्लाईओवर आता है, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से राइट साइड में जो फ्लाईओवर है उसको आप लोग एकदम पूरा एंड कीजिए, वहाँ से चालू कीजिए, उसको एंड कीजिए। वहाँ से एंड होने के बाद आप वो स्पॉट पर आइए जहाँ हमने वीडियो स्टार्ट की है, फिर वो स्पॉट से आप वीडियो के थ्रू आ जाइए। देखिए हमने बोले ना मोर है वो साइड में मोर की आवाज़ वहाँ से आ रही है, अभी कैमरे में आई होंगी, थोड़ी थोड़ी रिकॉर्ड हुई होंगी। एकदम फ्रेश बारिश का पानी, एकदम यहाँ कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं। सिटी के एरिया में कैसा ऐसा कुछ बनता है ना, तो वहाँ ख़राब कर देते पूरा पानी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे एकदम रिलैक्स, यहाँ कोई रहने के लिए है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ पब्लिक आती है, एंजॉय करती है, जाती है। यहाँ पर तो गणपति विसर्जन भी होता है। ये प्लेस बस इसीलिए ब्यूटीफुल लगती है क्योंकि सामने से माउंटेन है, ये पहाड़ है सामने, ये क्लाइंब करना है, और वहाँ से ये बीच का रास्ता एकदम मिडल में जो लगता है, ये पानी लगता है, ऐसा स्पेस आता है, फिर ये साइड में एक और एक माउंटेन है जिसपे से हाईवे बनाया गया है। जब से ये हाईवे बना है बस उसके बाद से ये जगह फेमस हुई है, ना तो पहले इतना कोई आता नहीं था यहाँ पे। ये पानी जितना लग रहा है एकदम इजी होगा ऐसा है नहीं, इसके बीच में बहुत सारे गड्ढे हैं, जो रेती निकालते हैं पानी के बीच में गड्ढा खोद कर, जो मतलब आम दिनों में जब पानी नहीं रहता, जब गड्ढे हैं रेती निकालते हैं ना, तो वो स्पॉट्स है इसके बीच में, वो साइड से, ये कॉर्नर से बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं इसके। सांप तो पानी में है नहीं, ये आसपास के साइड में है ना, यहाँ पर एक दो बार दिखे थे सांप।
अभी चलते हैं डायरेक्ट माउंटेन के ऊपर, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। वो देखो बच्चों जा रहे हैं ऊपर, वहाँ पे सामने बच्चे गए, ये सामने यहाँ से ये पॉइंट है, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। अभी क्लाउड्स भी बहुत सारे हैं लेकिन बारिश आ रही नहीं है। औरंगाबाद सिटी में ना गाइस क्या है पता ही नहीं, मतलब क्लाउड्स इतने आए हैं लेकिन बारिश आ रही नहीं है। काफ़ी टाइम से, एक महीना हो गया बारिश का सीज़न जब से हुआ है, जब से मतलब अच्छी बारिश आई ही नहीं है। आपके सिटी में अगर बारिश आ रही होंगी तो कमेंट में बताना, आ रही होंगी। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, सब तरफ तो एकदम तूफान आया हुआ है बारिश में। यहाँ पर ही क्या है एक पता नहीं, आ रही नहीं बारिश। हालांकि अभी ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश स्टार्ट हो जाएंगी, अभी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन बारिश आ रही नहीं है। चलिए अब चलते ऊपर डायरेक्ट, अब मिलेंगे आपको सीधा ऊपर वहां से एंट्रेंस के टाइम पे। ये आवाज आ रही है, प्लेन की आवाज नहीं है, बाइक राइडर वो सामने जा रहा है। देखिए ये हाईवे पर सुपर बाइक चलाने का अलग ही मजा है, वो अलग बात है, हमको अभी तक आती नहीं है। यहाँ पर भी बैठने के लिए बहुत सारे स्पॉट्स हैं, ये एक फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, वो पीछे वाला थर्ड। सबसे ज़्यादा मज़ा वहाँ से आता है क्योंकि एकदम कॉर्नर पे हो। चलिए और ऊपर चलते, ये तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, 30% हुआ अभी सिर्फ, अभी 70% बाकी है वहाँ तक। ये हो गया 50%। फिर मोड़ की आवाज़ आई, यहाँ से तो और अच्छी क्लियर आ रही क्योंकि यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से रास्ता भी है जाने के लिए। सो अभी हम इसके टॉप पे आ गए हैं एकदम एंड पॉइंट पे। यहाँ से सिटी का क्या व्यू आ रहा है यार एक नंबर। वो सामने जो दिख रहा है ना, किधर है वो, ये रेड कलर की जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वाली बिल्डिंग, ये वाली जो बिल्डिंग है ना बड़ी, ये असहाबी कैफ है, औरंगाबाद का मदरसा है, MIT कॉलेज के बाजू में जो आता है वो है। इसे नीचे जो टेंट्स बने हुए ना, तो ये सब भैंसों का तबेला है। ये गुजरात राजस्थान साइड के लोग हैं जो यहाँ पर आके बिजनेस करते हैं, इनके बहुत सारे भैंसे यहाँ पे, पूरे गाय भैंस सब यहीं, पूरा पानी के पास ही, इधर उधर पूरे जितने भी दिखते हैं ना सब इनके, सब अलग अलग है, दो चार हटते सब अलग अलग लोग है, वो सबके अलग अलग है। वो सामने एक स्कूल भी है, उसका नाम नहीं पता है लेकिन बहुत अच्छा स्कूल है वो, अच्छा है मतलब उसका इंटीरियर अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है उसकी, वैसा वो स्कूल कैसा है वो पता नहीं। और वो सामने साई मंदिर है,
ये पूरा रोड जा रहा है यहाँ से बीड़ के लिए, और वो जो सामने वाला पहाड़ है ना, तो वहाँ पे डर गए। सामने वाला मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला जो पहाड़ है ना छोटा सा, वो रास्ते में ही आता है बीच में। ये रोड ज्वाइन करके जाएंगे ना सीधा सीधा ये रोड से, तो वहाँ रास्ते में ही आता है लेफ्ट साइड में, तो वो पहाड़ पे डर गए, वो भी एक बार बताएंगे जाके। ये रात के टाइम पे ना ये पहाड़ पे टाइगर्स की आवाज़ आती है, लायंस तो नहीं, टाइगर, चीता दहाड़ने की आवाज़ आती है इनकी। और कई बार हमने ऐसा सुना है, मतलब पहले ये रोड बनने से पहले तो नॉर्मली रोड था वो, डामर रोड, तो जब वो टाइम पे रोड पे भी आया था यहाँ पे। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे, ये रोड भी बंद कर देते हैं यहाँ पे 7 PM के बाद, यहाँ पे आने की भी परमिशन नहीं है, पानी के पास कोई भी नहीं आ सकता। वैसे तो पानी के पास तो जाने ही नहीं देते, वॉचमैन आता है बार बार, वो सामने वॉचमैन है जो टेंट है ना, वो वॉचमैन का टेंट है सामने, वहाँ से ये रोड पे पूरा वॉचमैन आता है, चिल्लाते रहते हैं जब भी पब्लिक नीचे दिखी पानी के पास, चिल्लाते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे हंसे हुए हैं बच्चे, गए थे स्विमिंग करने के लिए तो डूब के मर गए थे। कितना लॉकडाउन के टाइम पे, 2021 या 2022 के टाइम की बात है वो, तो जब से थोड़ा सीख कर लिए, लेकिन अभी इतना कुछ है नहीं तो यहाँ पे नॉर्मल है, अभी आ सकते हैं, फिर कुछ हुआ तो फिर बंद कर देंगे। ये सामने भी फेंसिंग कर दिए थे लेकिन लोगों ने आके फेंसिंग भी तोड़ दिए, सामने पूरी फेंसिंग हो गई थी ये रोड की। अंदर आना है तो बाइक वहीं पार्क करके यहाँ तक आना, बस उससे नीचे जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अभी लोग ऐसे कहीं से भी निकल जाते हैं। ये सामने भी अच्छी पब्लिक आ गई यार, अच्छे घर बन गए यहाँ पे, पहले कुछ भी नहीं था, पूरा प्लेन था एकदम, खेती खेते यहाँ पे, अब तो पूरे खेत ख़त्म हो गए। वो सामने भी कंस्ट्रक्शन हो गया, जो कंस्ट्रक्शन चालू है ना, तो उसके बैक साइड में मतलब पानी की टाकी बन रही है, जो औरंगाबाद में कॉन्ट्रैक्टर भी निकला है, हर जगह पानी की टाकी बन रही है, तो वहाँ पर भी एक बन रही है अभी। पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे था, यहाँ बनने वाली थी, काम चालू भी हो गया था ADP के पास में ये साइड में, लेकिन बाद में फिर वो काम रोक दिए क्योंकि पानी की वजह से। ये पानी जब भरता है ना तो पूरा वो हाईवे के करीब करीब तक चला जाता है, जब एकदम फुल बारिश आती है औरंगाबाद में, जब फिर अभी उधर बना रहे। और पाइपलाइन भी पड़ी हुई होंगी, कैमरे में तो नहीं दिख रही, हमको दिख रही है, हाँ ये जो सामने दिख रही है ना पाइपलाइंस, उसी की पाइपलाइन से पूरी रोड के ऊपर जो रखी हुई है। पूरा फुल रहता है बारिश के टाइम पे, ये पोल ये पूरा पानी से भर जाता है, दोनों तरफ पानी रहता है इसके। वो सामने वो दिख रहा, दूर दूर तक जंगल है पूरा, गुजरात वो साइड में पूरा गुजरात है, वो सामने की तरफ दिख रहा होगा ना, तो अंबाड़ी डैम है, कन्नड़ का डैम, यहाँ से दिखता है बहुत ऊपर है अभी, हम हाइट पे हैं अच्छी खासी, यहाँ से दिखता है वो, लेकिन कैमरे में नहीं दिखेंगे, बहुत दूर है। तो ये पूरा रोड कन्नड़ होते हुए गुजरात तक जाता है, 40 गाँव बोल के एक एरिया है, 40 गाँव कन्नड़, उसको होते हुए पूरा गुजरात तक जाता है ये रोड। चलिए अब चलते हैं नीचे, बहुत देर यहाँ पे वेट कर लिया, बैठ लिए, चलिए। यहाँ से ना गारखेड़ा स्टेडियम भी दिखता है, ये सामने जो गारखेड़ा स्टेडियम है, पूरा गारखेड़ा साइड है वो। यहाँ से क्रांति चौक का फ्लैग भी दिखता है, स्टेशन की मस्जिद भी दिखती है, और शाहगंज की मस्जिद भी दिखती है, मतलब मीनार उसका, घड़ी जो है शाहगंज में वो भी दिखती है यहाँ से पूरा, और गारखेड़ा भी दिखता है। क्या व्यू आता है यार यहाँ से। सो गाइस, होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर्स 1000 चाहिए तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये ब्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप लोग आइए, ये एक औरंगाबाद की बेस्ट हिडन प्लेस है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।